चले शुरू करते हैं। बात करेंगे जिला प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए स्क्रीन पे, जिला प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भारत में हम देखते हैं कि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। परिणाम की केंद्र और राज्य दो स्तरों पर शासन का संचालन होता है। दोनों के बीच में संविधान की अनुसूची 7 के तहत हमने शक्तियों का विभाजन भी किया है। केंद्रीय प्रशासन में राष्ट्रपति राज्य का प्रधान या नाम मात्र का प्रधान है, जबकि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री शासन या सरकार के प्रधान कहलाते हैं। केंद्र और राज्य दोनों में हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, सो उसी का परिणाम है कि ये दो प्रधान या मुखिया का अस्तित्व होता है। राज्य में भी दो प्रधान या मुखिया हैं, राज्यपाल राज्य का प्रधान या नाम मात्र का प्रधान है और मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री शासन या सरकार के प्रधान या वास्तविक प्रधान की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। तो संघात्मक शासन सो दो स्तर, दोनों स्तरों पे संसदीय शासन सो दो दो प्रधान या मुखिया। लेकिन हम देखते हैं कि संघात्मक शासन के साथ साथ हमारे देश में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया है। सो परिणाम कि केवल केंद्र और राज्य नहीं, दो स्तरों पर शासन का संचालन नहीं होता, बल्कि शासन के कई और स्तर भी देखने को मिलते हैं। तो फिर हम देखते हैं अपने देश में कि राज्यों को हमने संभाग या कमिश्नरी में बांटा है। 5-6 जिलों को मिला के एक संभाग या कमिश्नरी बनाई जाती है। संभाग बोलते हैं, कमिश्नरी मेरे ख्याल से कहीं कहीं अनुमंडल भी कहा जाता, अनुमंडल या प्रमंडल जो भी, अब वो हिंदी देखें शायद बिहार में अब या अनुमंडल या प्रमंडल जो भी इंग्लिश वर्ड है कमिश्नरी, और हिंदी में संभाग अब इसमें और जो नाम। तो 5-6 जिलों को मिला के बनता है संभाग या कमिश्नरी। इसका मुखिया होता है संभाग आयुक्त या कमिश्नर, जो कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। आप सिविल सेवा में गए, आईएएस अधिकारी बने, 10-15 साल नौकरी करते हुए हो गए, तो आपको कलेक्टर से प्रमोट करके कमिश्नर बना दिया जाता है। कलेक्टर एक जिले का मुखिया है और कमिश्नर 5-6 जिलों का मुखिया हो जाता है, पूरे संभाग या कमिश्नरी का मुखिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई नहीं है, तो इसलिए अलग से उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। संभाग को फिर जिला या डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर है, जिलाधीश या कलेक्टर के नाम से हम जानते हैं, जिलाधिकारी, उपायुक्त भी बोलते हैं कई राज्यों में, कमिश्नर हो गया आयुक्त, कलेक्टर हो गया उपायुक्त, तो डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है हरियाणा वगैरह में, तो कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर मतलब उपायुक्त बोलते हैं। जिलाधीश, जिलाधिकारी, कई नाम भारत में आज की डेट में आप देखेंगे लगभग 700 के आसपास जिले हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, नए नए राज्य बन रहे या राजनीति की वजह से नए नए जिले राज्यों में बनते रहते हैं चुनावों के समय। जिले का विभाजन किया गया है तहसील या गांव में, सॉरी तहसील या जनपद में ब्लॉक, और सबसे नीचे होता है गांव। जिला, तहसील और गांव आप देख रहे हैं, इन तीन को संयुक्त रूप से स्थानीय प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। और इसी आधार पर कहा जाता है कि हमारा संविधान हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। तीन स्तर कौन से? तो केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर की
शासन व्यवस्था, स्थानीय में फिर तीन, जिला, तहसील और गांव। यद्यपि याद रखना है कि जिला प्रशासन स्थानीय स्तर की सर्वोच्च इकाई कहलाती है, स्थानीय प्रशासन में सर्वोच्च इकाई जिला ही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखे तो उसका सर्वोच्च स्तर जिला स्तर की पंचायत ही होती है। हाँ, लेकिन हम जिला प्रशासन की अलग से भी चर्चा करते हैं, क्योंकि वो आगे हम देखेंगे कि हमने स्थानीय प्रशासन में जिला को सर्वोच्च इकाई जरूर बनाया है, लेकिन संपूर्ण जिला प्रशासन को हमने स्थानीय प्रशासन का हिस्सा नहीं माना है। ये एक हमारे देश के सिस्टम की, पॉलिसी मेकर्स की कहें कि एक मन की दुविधा, असमंजस, कि यद्यपि जिला स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है लेकिन पूरा जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन में शामिल नहीं किया जाता। तो परिणाम कि हम जिला प्रशासन की अलग से भी चर्चा करते हैं और फिर स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई के रूप में भी हम जिले की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से देखें, वैसे पांच स्तर दिखाई देते हैं, संभाग को छोड़ दें, बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई नहीं है। तो कुल पांच स्तरों पे हमारे देश में शासन है, केंद्र, राज्य, जिला, तहसील, गांव, और नीचे के तीन को संयुक्त रूप से हम एक ही कह रहे हैं, स्थानीय प्रशासन। तो उसी आधार पे हम कहते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन के दो रूप हैं, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन और नगरीय या शहरी स्थानीय प्रशासन। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को हम पंचायती राज कहते हैं और नगरीय स्थानीय प्रशासन को नगर पालिका शासन की संज्ञा दी जाती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिला प्रशासन की, जिसका मुखिया कलेक्टर होता है, जिला प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जिला प्रशासन का अर्थ देखिए, दो अर्थ कर सकते हैं, शब्दार्थ और भावार्थ। जिला प्रशासन में दो शब्द हैं, एक जिला या डिस्ट्रिक्ट और दूसरा प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। जिला शब्द के भी हम दोनों अर्थ कर सकते हैं, प्रशासन के भी दोनों अर्थ कर सकते हैं। जिला प्रशासन में जिला का शाब्दिक अर्थ देखें, अंग्रेजी शब्द है डिस्ट्रिक्ट, जिसका हिंदी रूपांतर है जिला, और जो अंग्रेजी का डिस्ट्रिक्ट शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिस्ट्रिक्टस से हुई है। मूल शब्द है लैटिन भाषा का डिस्ट्रिक्टस, उससे बना अंग्रेजी का डिस्ट्रिक्ट, उससे हिंदी का जिला। जो मूल शब्द है डिस्ट्रिक्टस लैटिन में, अगर अर्थ देखें डिक्शनरी में तो उसका अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाई गई क्षेत्रीय इकाई। न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाई गई क्षेत्रीय इकाई, ये डिस्ट्रिक्टस शब्द का अर्थ होता है, मतलब जिला शब्द का अर्थ। भावार्थ देखें, भावार्थ भी लगभग मिलता जुलता है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया क्षेत्रीय विभाजन या बनाई गई क्षेत्रीय इकाई को जिला कहा जाता है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि राज्य के प्रशासन का बेहतर ढंग से संचालन हो सके तो हमने राज्य को छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया, जिनको हम जिला या डिस्ट्रिक्ट की संज्ञा दे रहे हैं। तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया क्षेत्रीय विभाजन या बनाई गई इकाई, ये तो जिला हो गया। और प्रशासन का अर्थ तीन तत्वों के आधार पर हम करते हैं, विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोग तथा
समन्वय, इन तीन तत्वों के आधार पर प्रशासन का अर्थ किया जाता है। विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोग तथा समन्वय, तीनों को आपस में मिला दें तो प्रशासन का अर्थ बनता है विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास, जो कि सहयोग तथा समन्वय पर आधारित हो प्रशासन कहलाता है। दोनों को जोड़ दीजिए, जिला का अर्थ भी देख रहे हैं, प्रशासन का अर्थ भी देख रहे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना ही जिला प्रशासन है। जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना ही जिला प्रशासन है। जिला का अर्थ आप देख रहे हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाई गई क्षेत्रीय इकाई, और वहां जब संचालन हो प्रशासनिक कामों का तो उसी को जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दी जाती है। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो आप पाएंगे कि संविधान में कहीं भी जिला प्रशासन शब्द की चर्चा नहीं की गई है। संविधान में केंद्रीय प्रशासन, संघ प्रशासन या संघीय सरकार आर्टिकल 52 से शुरू करके, फिर राज्य प्रशासन है, और उसके बाद आर्टिकल 243 में आप देखें तो स्थानीय प्रशासन। पूरा संविधान आप पलटेंगे, जिला प्रशासन शब्द कहीं नहीं मिलेगा आपको इस प्रशासनिक संरचना की, संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। हाँ, जिला शब्द की चर्चा जरूर तीन जगहों पर देखने को मिलती है। जिला प्रशासन नहीं, लेकिन जिला शब्द की चर्चा जरूर तीन जगहों पे है। कौन सी? तो पहला देखेंगे आप आर्टिकल 233, संविधान का अनुच्छेद 233, उसमें जिला न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है और वहां जिला शब्द की चर्चा मिलती है। अनुच्छेद 233, जिला न्यायालय। दूसरा देखेंगे संविधान की छठी अनुसूची में स्वायत्त शासी जिले, तो वहां जिला शब्द की चर्चा है। कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, कुछ राज्यों के जो पिछड़े इलाके हैं वहां। मूल संविधान में इन दो जगहों पे ही चर्चा थी जिला की, एक 233 और दूसरा छठी अनुसूची। और जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, तब आर्टिकल 243 में भी जिला शब्द को स्थान मिला। 73वें संशोधन से त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया, और उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज में सर्वोच्च स्तर देखेंगे तो जिला स्तर की पंचायत। और 74वें संशोधन में जिला योजना समिति की स्थापना का प्रावधान किया गया, डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो जिला स्तर की पंचायत में भी जिला मिलेगा आपको, और जिला नियोजन समिति में भी जिला शब्द मिलेगा आपको। तो दो जगह मूल संविधान में चर्चा थी जिला शब्द की, तीसरा 73वें 74वें से चर्चा हुई आर्टिकल 243 में। तो इस तरह से कुल तीन जगहों पे जिला प्रशासन की चर्चा या उल्लेख, सॉरी, जिला शब्द का उल्लेख मिलता है, जिला प्रशासन का उल्लेख कहीं नहीं है। तो ये फिर जैसा हम बात कर रहे हैं कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बनाई गई क्षेत्रीय इकाई है, और ये इकाई प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है हमारे देश में। जिला प्रशासन का अगर संगठन देखें, जिला प्रशासन का संगठन या उसकी संरचना क्या होती है,
तो आप देखिए जिला प्रशासन का जो मुखिया होता है वो जैसा अभी मैंने बताया कि जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है, जिलाधीश या उपायुक्त कई नामों से इसे जाना जाता है, एक आईएएस अधिकारी होता है, आईएएस मतलब एक सामान्यज्ञ अधिकारी होता है। आप यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सीधे भर्ती हो जाएं, टॉप 100 रैंक में आते हैं आप जनरली, तो आईएएस मिलता है आपको। आईएएस सेलेक्ट होने के 4-5 साल के बाद जिले का कलेक्टर बनाया जाता है, बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति। और या आप राज्य प्रशासनिक सेवा डिप्टी कलेक्टर बने हैं, वहां आपको 13-14 साल 15 साल नौकरी के हो जाते हैं, तो फिर प्रमोशन के माध्यम से आप फिर डिप्टी कलेक्टर के बाद कलेक्टर बनना है हायरार्की में, तो सीधे भी भर्ती हो सकते हैं यूपीएससी एग्जाम, और या राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होके भी आ सकते हैं। बस राज्य प्रशासनिक सेवा से आने का मतलब कि कम से कम